अहले गजा पर इसराइली जारहियत और अमरीकी जामियात में तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ कराची सीवी पर एहतजाजी मार्च हुआ। फैजुल्ला खान की रिपोर्ट। दुनिया भर की तरह कराची में फिलिस्तीनियों से इजहार यकजहती का सिलसिला जारी है। सीवीयू पे तवील फलस्तीनी परचम के साथ मुजाहिरीन ने न सिर्फ साहिल की सफाई की बल्कि अहले फिलिस्तीन की कुर्बानियों को खराज अकीदत भी पेश किया। हुकूमत पाकिस्तान मसला फलस्तीन को उजागर करने के लिए भरपूर कोशिशें करे और गजा पर जारियत को फिलफौर बंद करवाने के लिए अमरीकी हुकूमत पर दबाव डाला जाए। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने आलमी बिरादरी से इसराइली जारहियत रोकने का मुतालबा किया। आज हम लोग सीवीयू कराची के ऊपर समंदर के ऊपर खड़े हुए हैं फलस्तीन का इतना बड़ा सा झंडा लेके, क्योंकि जो उनका स्लोगन है फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, हम उस पर पूरा पूरा यकीन रखते हैं। हम वो झंडा लेके सी साइड तक जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द फलस्तीन आज़ाद हो जाएगा। फलस्तीन का फ्लैग हमने शुरू से लेके एकदम एंड तक समंदर तक हम लोग लेके गए हैं। हर जगह आपको हर कोने में फ्लैग नजर आएंगे फलस्तीन के, ऐसे लग रहा है जैसे अभी सेकंड फलस्तीन। शुरका का कहना था कि उनकी जानिब से हर इतवार को शहर भर में मुजाहरे मुनक्किद होंगे। मुंतजमीन का कहना था कि मुल्क भर के तफरीही मराकज के बाहर अहले गजा से इजहार यकजहती और सफाई मुहिम चलाई जाएगी। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ फैजुल्ला खान, एआरवाई न्यूज़, कराची। सच से खौफ सता नितिन याहू ने इसराइल में अल जजीरा